लेकिन मामा के राज में क्या चल रहा है? सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है। मामा मामा अच्छे ही काम कर रहे हैं यार, सबको तो सब कुछ दे रहे हैं। मतलब बताइए किसको क्या नहीं मिल रहा। अब मैं कहूँ कि साहब मुझे ये नहीं मिलता तो ये गलत बात है भाई। सबके नहीं हो रहा है वो तो, कोई भी काम के नहीं। आप कराने वो तो जाइए, आप अगर कराने नहीं जाएंगे घर बैठे रहेंगे तो कैसे काम हो जाएगा। पूरे परिवार के अंदर ऐसी कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपके घर तक पहुँचा है जो मामा का सरकार का मिल रहा है? मिल रहा है, देखिए एक तो गल्ला फ्री, दूसरा आयुष्मान फ्री। आयुष्मान कार्ड से लगभग कितने लाख रुपए का इलाज आपने फ्री में कराया? कम से कम ये मान लिया आप 2-3-4 लाख तो लग। अगर आपके हाथ में वो आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आज हालात बहुत बहुत हालत खराब होते, इससे भी बदतर हो जाते। बहुत शुक्रिया शिवराज सरकार का भी शुक्रिया साहब, मोदी जी का भी शुक्रिया साहब, क्योंकि मोदी जी जो योजना चला रहे हैं वो सबके नहीं चला रहे, सिर्फ आप उसका लाभ लेने वाले होना चाहिए। मामा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, सिलेंडर कम कर दिया। कमलनाथ को नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो हमारे आदमी को जिंदा होता ही मार दिया, पेंशन रोक दी सारी। अरे सब तो अच्छा हो रही है यार, गैस की टंकी पे 200 कम हो गए, 1000 रुपये औरतों को मिल रहा है, महिलाओं को। क्या नाम है आपका? मेरा सलीम हुसैन। सलीम साहब जी, क्या नाम, कहाँ से रहने वाले हैं? जहांगीराबाद, भोपाल। भोपाल में? भोपाल में जहांगीराबाद। जहांगीराबाद मकान नंबर 18। ये जो ये काम कर रहे हैं आप, कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये 30 साल करीब हो गए सर जी। जी तो पहले इस काम के बारे में आप बताइए, आपसे इस चर्चा कर। काम के बारे में ये है कि दाल रोटी चलती है सुकून से यहाँ से सब, है ना। सिर्फ अभी थोड़ा सा ये है कि मध्य मार्केट है तो वो तो सब एडजस्ट करना पड़ता था, मतलब सब करना पड़ता है मतलब। तो पहले से आप ये काम करते हैं? हाँ 30 साल हो गए करीब। अभी मार्केट मंदा चल रहा है? मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। कब से चल रहा है ये? अभी हो गया करीब करीब महीना भर करीब हो रहा है। महीना भर से? महीना भर। क्यों ऐसा क्यों? अब ये थोड़ा महीना भी ये है कि चल रहा ना ये वाला सितंबर वाला महीना जो होता है हर साल ही ऐसा होता है थोड़ा सा। बात तो फसल आएगी, दीपावली आएगी, त्यौहार आएगा तो शायद दोबारा शादी ब्याह आती है तो काम हम अच्छा चल जाता है। जी हाँ जी। लेकिन मामा के राज में क्या चल रहा है? सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है मतलब। जी हाँ। क्या कर रहे हैं मामा? मामा अच्छे ही काम कर रहे हैं यार, सबको तो सब कुछ दे रहे हैं मतलब। बताइए किसको क्या नहीं मिल रहा। अब मैं कहूँ कि साहब मुझे ये नहीं मिलता तो ये गलत बात है। गलत बात है क्योंकि फ्री काम कर भाई, सबके नहीं हो रहा है वो तो, कोई भी काम के नहीं। आप कराने वो तो जाइए, आप अगर कराने नहीं जाएंगे घर बैठे रहेंगे तो कैसे काम हो जाएगा। खुद तो आए नहीं आएगा चल के काम। सब काम जो भी होता है जैसे गृहस्थी का कोई भी काम है, मतलब अपन को बैंक का कोई काम है तो अपन को जाना पड़ेगा कोई भी काम के नहीं। बच्चों की जैसे कुछ मार्कशीट वगैरह निकलवाना है या मतलब बच्चों को पढ़ाई के नहीं, अगर आपको योजना लिख ली है कि बच्चा हर घर से फ्री आएगा आपको जी, तो आप वो भी आपका होता ही है मतलब। अगर आप फार्म भरिए जाएंगे आएंगे तो वो भी होगा। मेरे पोते हैं तीनों पोते, मतलब 2 पोते मतलब पढ़ रहे हैं मेरे सरकारी योजना में जी, बिल्कुल फ्री फ्री पढ़ रहे हैं। मतलब योजना का लाभ मिल रहा है? योजना का हर योजना का लाभ मिल रहा है, गल्ला फ्री मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आज आपको आप कराओगे तो मतलब आपको मतलब सब कुछ सही मिलेगा। आप नहीं जाओगे और नहीं करना चाहोगे और बदनाम करते रहो तो कोई मतलब नहीं निकलता उससे। अच्छा ऐसी कौन कौन सी योजना है? अगर देखिए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मेरे इस वक्त 7 सदस्य हैं। एक ये मेरा बेटा है, ठीक है, और 3 पोते हैं, एक बहू है और एक मेरे घर से, ठीक है, 7 सदस्य हैं। तो आप पूरे परिवार के अंदर ऐसी कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपके घर तक पहुंचा है जो मामा का सरकार का मिल रहा है? मिल रहा है, देखिए एक तो गल्ला फ्री, ठीक है, दूसरा आयुष्मान फ्री। गल्ला कितना मिलता है? गल्ला मिलता है मेरे को समझ लिए 18 किलो और 6 किलो चावल जी, 12 किलो चावल। 12 किलो चावल इस वक्त अभी गेहूँ दे रहे हैं मतलब, वो तो 18 किलो मतलब 24 किलो हर महीने मुझे मिलता है फ्री। 24 किलो राशन महीने में 24 किलो यूज में आ जाता है? नहीं आता है, कम पड़ जाता है थोड़ा सा, थोड़ा कम, क्योंकि जरा बच्चे छोटे छोटे भी हैं मतलब। हाँ। हमारे पोते हैं 3 तो वो थोड़ा क्या है कि बच्चों को तो बार बार मांगने के चलते है। तो इस नियम ये है कि मालिक का शुक्र है कुछ यहाँ से हो जाता है कुछ मतलब वो हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अब आगे बताइए और क्या योजना का लाभ मिलता है? आगे योजना का लाभ देखिए साहब, एक तो आयुष्मान का भी लाभ है, दूसरा आयुष्मान कार्ड जब बना उसके बाद में अभी तक उसका कहीं यूज हुआ है? यूज हुआ, मेरा एक बेटा खत्म हो गया उसमें भी यूज हुआ था। अभी क्या हुआ था वो? उसकी किडनी प्रॉब्लम हो गई थी मतलब, वो कहते हैं ना मोती झिरा पी लिया और टीवी, तीनों चीज़ें बिगड़ चुकी थी। बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम नसीम। कितने साल का हो गया था? सब समझ लिया 31 साल का हो गया था, अभी 7-8 महीने करीब हुआ उसको एक्सपायर हुआ।
तो जब ये घटना हुई थी उससे कितने दिन पहले आयुष्मान कार्ड बना था? उसके करीब करीब समझ लिए कि लॉकडाउन के बाद से ही बनवा लिया। जब जैसे शुरू हुए थे ना, मैं तो खुद जाके काम कराता हूँ सर, मेरा बना हुआ है, मेरी बीवी का बना हुआ है, मेरे बच्चे का बना हुआ है, तीनों के चारों के बने हुए थे हमारे, चार आयुष्मान कार्ड बने हुए थे और उसमें एक बच्चे का आयुष्मान लगता था, उसके अंदर इलाज चलता रही। तो कितने समय इलाज चला उस आयुष्मान कार्ड? उसको कम से कम समझ लिया आप 2-3 साल करीब इलाज चला, 2-3 साल आयुष्मान से चला। जो थोड़ा बाहर से लाना पड़ा वो अपन ले आए दवाई, बाकी मतलब वही से आयुष्मान से हुआ। आयुष्मान कार्ड से लगभग कितने लाख रुपए का इलाज आपने फ्री में कराया? कम से कम ये मान लिया 2-3-4 लाख तो लग उधर से, और कम से कम मेरे पास भी 2-3 गाड़ियाँ थी सवारी ऑटो, वो भी बेच के मैंने उसी में लगाया मतलब जी। तो एक समझ लिया आपके करीब करीब 5-7 लाख रुपए लड़के में लगाने के बाद कुछ नहीं बचा, समझ लिया अब यह है कि बस दाल रोटी से चल रही है। तो आप ये मान के चलते हैं कि शायद ऐसा कभी सोचा नहीं होगा आपने कि आयुष्मान कार्ड जो मोदी सरकार ने योजना चलाई कि वो कभी इस तरह भी काम आ सकता है जी। बहुत काम आया था, समझ लो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि मतलब 2-3 बार इलाज हुआ उसका, जैसे कि तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल है ये तुम्हारे SBL में हुआ, गायत्री है पटेल नगर में, वहाँ भी उसका इलाज हुआ। तो सब दूर होने के बाद अब दोबारा वो रिटर्न बीमारी हुई तो फिर बात लगे कि अल्लाह को कुछ और, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी है सब, बस शुक्र करते रहो आप और नीचे वाले को देखते रहो तो आप सुकून में रहोगे हरदम। और आपने अगर ऊपर की सोची कि ये कार है मैं ही कर लूँ, नीचे देखोगे एक आदमी पैदल चल रहा है, वो मेरे पे साइकिल है या गाड़ी है, तो मालिक का बहुत बड़ा शुक्र है। लेकिन आप सोचिए ना कि अगर आपके हाथ में वो आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आज हालात बहुत बहुत हालत ख़राब होते, इससे भी बदतर हो जाती। मतलब एक दो महीने सवारी ऑटो भी ली थी तो वो भी सब बेच बाज के सब किनारे, आज ये क्या हाथ पे एकदम रोड पे आ जाते, रोड पे आ जाते समझ लिए। इसके लिए शुक्रिया अदा करना, बहुत शुक्रिया शिवराज सरकार का भी शुक्रिया साहब, मोदी जी का भी शुक्रिया साहब, क्योंकि मोदी जी जो योजना चला रहे हैं वो सबके नहीं चला रहे हैं, सिर्फ आप उसका लाभ लेने वाले होना चाहिए। अब बदनाम करो तो कोई मतलब नहीं निकलता उससे सर, आप तो तारीफ करो उसकी जो कर रहा है काम, आपको बताना बोलना है नहीं बोले। बावजूद लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है साहब, हम नहीं मानते इस चीज़ को और हम शुरू से नहीं मानते। आज ही हमारे यहाँ देने देखा जाए तो हमारे अध्यक्ष मोदी यहाँ के थे, BJP से थे, मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं और उन्होंने ही मतलब मुझको जगा के लिए यहाँ पर सबको छोड़ के उन्होंने मुझे जगा के लिए मतलब करा। नहीं साहब सलीम भाई हमारे साथ हैं 30 साल से तो उनको जगह बहुत ज़रूरी है। सुरेंद्र सिंह मोहम्मद है, उन्होंने खुद कहा कि नहीं यहाँ पर लगाओ आप, देखो पहले मैं नीचे रोड पर लगाता था तो वहाँ अतिक्रमण होता था ज़्यादा, तो मैं सबसे पीछे ही लगाता था दुकान, क्योंकि कांच का सामान है सर, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जी हाँ। इसलिए मतलब अपन ने देखिए दो चीज़ें आपने बताई हैं, दो चीज़ें बहुत बड़ी बताई, क्योंकि कोरोना के समय में ही राशन मिलना केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुआ सब, और वो मिलता रहा बराबर और आज तक मिलता है और फ्री मिला है। मतलब ये भी नहीं है कि वो पहले तो ये था कि एक फ्री डबल मिल रहा था पहले कि एक फ्री और एक उसका वो तुम्हारे राशन कार्ड से, मेरा 40 साल पुराना ही राशन कार्ड है। तो इसमें एक चीज़ और मानते हैं आपके जिस हिसाब से कोरोना के समय में जो घर घर राशन पहुंचाने की जो स्कीम जो दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, लॉकडाउन में जहां लोग घर बैठे हुए थे आपकी ये दुकान भी नहीं लग पा रही थी, कितने समय तक दुकान नहीं लगा पाया? वो समझ लिया आप पूरे 2 महीने करीब हो गए, 2-2.5 महीने नहीं लगाया, नहीं लगा पाया। फिर उसके बाद आते थे दोपहर में, जैसे खोला था थोड़े दिन तो थोड़े दिन में आके जो मालिक को देना है अपन तो यहाँ आके बैठ गए सुबह 11 बजे 12 बजे और 6 बजे बाद हो जाती थी दुकान, तो उसमें पूरा हो जाता था थोड़ा। यानी कि राशन की जो योजना सरकार लेके आई उससे बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ है सर। और कौन कौन सी योजनाएं जो सीधे केंद्र सरकार की जो आपको घर तक आती है? 2-3 तो अपन ने करी, जैसे बच्चों का नामकरण होना है तो वो खुद गए और खुद जाके करा लिया अपने पोतों को, जैसे राशन कार्ड में जुड़वाना है जो एक्सपायर हो गए उनका ख़त्म करवा दिया, बस वो चल रहा है। अब एक बेटा साथ रहता है मेरा, वही इतना साथ देता है कि मालिक सबको दे ऐसा बेटा जो कि एक मुझे झोला तक नहीं उठाने देता। आवास योजना पे क्या कहेंगे कुछ? आवास योजना का ज़रूर है, अपने पास मकान नहीं है इसलिए जी लाभ नहीं मिला, नहीं अभी नहीं मिला। बिजली माफ़ी का क्या है? बिजली माफ़ी का था फुल हुआ, बिजली माफ़ी तो अभी फिर हो गया, बिजली माफ़ जितना बिल था सारे। कितना फ़ायदा हुआ बिजली माफ़ी से? कोई लिमिट ही नहीं है साहब, आदमी अगर एहसान माने तो बहुत कुछ करा उन्होंने। कितनी बार बिजली माफ़ हुआ है आपका? बिजली एक बार 3
दो तीन बार हुआ है। कितने कितने रुपए का? करीब करीब एक दफे 12-13 हज़ार रुपए का हुआ था, एक दफे 22 का माफ हो गया था, एक दफे चढ़ गया था तो वो भी माफ हो गया। पानी का क्या? पानी का भी यही है, पानी चल रहा है अभी, जब से नल लगाए बिल तो दिया नहीं है, मतलब पहले तो हम बिल भरते थे उसका, अब की वो भी फ्री चल रहा है। तो वो भी फ्री चल रहा है, वो भी फ्री चल रहा है। तो ये सब योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हमें फ्री की रेवड़ियाँ नहीं देनी चाहिए, क्या वास्तव में वो आपके लिए रेवड़ी है या जरूरत का? जरूरत का सामान है साहब, रेवड़ी कहाँ है, रेवड़ी थोड़ी होती है, ये जरूरत का सामान दे रहा है आपको, गल्ला आपको फ्री दे रहे हैं, मतलब सब कुछ दे रहा है, तो उसके में बुराई कुछ नहीं, जो अच्छा काम है तो वो तो अच्छा है। सबका सदुपयोग ले रहे हैं ना? नहीं, सब कुछ ले रहे हैं, मतलब सारी योजना को लाभ मिल रहा है आपको, तो फिर वो कोई मतलब थोड़ी निकलता है आपको बदनाम करने के लिए। लाडली योजना का क्या चल रहा है? लाडली योजना का ये है कि बेटी को मिला था 3,000 रुपये जब बेटी हुई थी पहले, काफ़ी साल हो गए मतलब उसको, वो भी मिला मतलब वहाँ से। तो मामा के राज में और क्या चल रहा है? बस मामा के राज में सब बढ़िया चल रहा है। मोदी जी के लिए क्या? मोदी जी भी बढ़िया आदमी है, मोदी से अच्छा तो आदमी नहीं है यार। पसंद है आपको? बहुत पसंद है साहब, कोई भी बात है मतलब सबका ध्यान दे के काम कराया जा रहा है, अब वो जो नहीं समझे उसकी बात अलग है। जो लोग कहते हैं कि साहब नहीं ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, नहीं कोई नहीं कर रहा साहब, कोई राजनीति नहीं हो रही, ये तो सब राजनीति तो सब चलती रहती है, पर आपके लिए जो अच्छा हो रहा है वो बोलो, वो कहना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी, कुरेज नहीं होना चाहिए बोलने में, बोला तो बेकार है मतलब। किसे मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे? शिवराज सरकार, वही पक्का, वो भी काम करते हैं जी, लग क्या मामा फिर से आ सकते हैं, लोग कुछ भी करते रहे, काम आएंगे, काम दिखता है आदमी का, काम है जो वो आए, काम शिवराज साहब के हर इंसान के लिए काम करा, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो काम नहीं करा, तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, अपन तो देते हैं वोट, सही बात है, कोई हमारे रिश्तेदार दे या नहीं दे, पहले उनसे भी कहते हैं देखो देखो पहले समझो, हम तो देते हैं वोट तो आपसे देते हैं। तो कमलनाथ का अभी नहीं लग रहा है? नहीं, कमलनाथ का क्या, ये बाटी आ रही रेवड़ी है, ये रेवड़ी बट रही है अभी, अब बाटने की घोषणा, सामने हो तो कुछ नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं जी। सुनने दे, क्या नाम है आपका? मेरा बिमला भाई। ठीक है? ठीक है। क्या क्या चल रहा है आपका? सब ठीक चल रहा है। मामा कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा। मामा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कर रहे हैं? क्या आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं, सिलेंडर कम कर दिया जी। और क्या यही चाहिए, और कम ही होना चाहिए। राशन मिल रहा है? राशन फ्री मिल रहा है, सब मिल रहा है हमें। इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? मुझे ही बनेगा, मामा बनेगा, मामा ही बनेगा, मामा ही बनेगा। कमलनाथ को नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। चलिए, उसने तो हमारे आदमी को जिंदा होते ही मार दिया, पेंशन रोक दी सारी। अरे हाँ, ऐसा कर दिया? ऐसा कर दिया, जीते जीत मार दिया, कल मर गए सब। और पेंशन कर दिया? हाँ, पैसे खा गए एक साल के, खुद ही पेंशन बना दिया। हाँ, खुद नहीं मार दिया ना, अब पेंशन बेचारे शिवराज चौहान ने पेंशन चालू करी हमारी आदमी की, हमारे आदमी की। तो बहनों का ख्याल रख रहे हैं मामा? सब रख रहा है, अच्छा से अच्छा रख रहा है, रख रहे हैं। हाँ, बहुत। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो मामा बहनों का ख्याल रख रहे हैं? नहीं, हाँ ख्याल तो रख रहे हैं, क्यों नहीं ख्याल रखेंगे, ख्याल रखेंगे, वो तो मामा भांजियों का वो भी ख्याल रखेंगे। और क्या क्या चिंता करते हैं आप, और क्या क्या आपको सहायता या फिर सुविधाएं मिली हैं? सुविधा देखो, अभी 1,000 रुपये खाते में डालते हैं तो उसी से हम लोग तो टंकी भरा लेते हैं, कभी होते कभी नहीं होते, पहले भरा लेते थे, अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे टंकी पे, अभी ये महीने हमने भरा ली थी तो 908 रुपये की भरवाई थी, अब चल रही हमारी दाल रोटी इसी पे। तो इस बार मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? अब देखो, वो तो अपना अपना मुकद्दर है, जनता किसका खाती किसका गाती, किसी के माथे पे किसने लिख के नहीं भेजा है, सब सब कहते हैं ना। मैं कहूँगी कि आप हम मामा जी को मामा वो मुख्यमंत्री बनाएंगे या और किसी को बनाएंगे, क्या मालूम उनका खा रहे मामा को डुबा रहे या मामा का खा के दूसरे को डुबा रहे हैं, ये तो भरोसा वो जिस दिन बनेंगे उसी दिन सही मानो कि हाँ सच, जनता किस पे भरोसा करती है। तो आप पे, आपका भरोसा किस पे ज़्यादा है, कमलनाथ पे या मामा? अब मामा पे जा रहा है, क्यों तो भाई जो सुविधा कर रहे हैं तो जा, सुविधा करेगा। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार नाम है। ठीक कह रही है, बात कितना सहमत है इनकी बातों से? पूरे सहमत है, पूरा सहमत है। किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? सभी योजना का जो जो उन्होंने निकाली मुख्यमंत्री योजना से, सबको लाभ मिल रहा है। तो ऐसा तो ना कि हिंदू मुसलमान कहीं ऐसा हो रहा है या फिर देख करके ऐसा हो रहा है, हमारे इसमें वो नहीं है, मतलब हम तो इंसान सब एक हैं, मानो तो
नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होता। आप पहले इससे पहले जमाने में ऐसा कुछ होता था क्या? हिंदू मुस्लिम का कोई भी विवाद नहीं था। अभी चल रहा है लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामा करते हैं नहीं करते? सब मिलके रहना चाहिए, सब एक माँ के बच्चे की तरह रहना चाहिए, सबको मिलके रहना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि देखो हिंदुस्तान शुरू इस बार मुख्यमंत्री कौन चाहिए आपने? ये शिवराज सिंह हो जाए बस। कमलनाथ अभी उनका कोई भरोसा नहीं होता, मतलब भरोसा नहीं है। मामा के राज में क्या चल रहा है? अच्छा चल रही है मामा के राज में, बढ़िया काम चल रही है। अरे बिल्कुल सहायता दे रहे हैं मामा? अरे बहुत सहायता था, अब सहायता ही है। 10,000 रुपये ले लो और क्या है, 10,000 रुपये का लोन तो दे रहा मामा यार। इसकी दुकान के लिए दिया है? हाँ। अरे और क्या दिया है? बस यही दिया था उनने भी। तो चुनाव आ रहे हैं ना आपके नजदीक? हाँ। तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? कोई शिवराज मामा को। कमलनाथ को अब बना दिया ध्यान का। कमलनाथ को क्या बनाएंगे ना? क्या नाम है सर आपका? जरदार खान साहब जी। ठीक है आप? ठीक, बहुत बढ़िया। तो क्या चल रहा है मामा के राज में? मामा के राज बढ़िया काम चल रहा है, एक नंबर का। क्या बढ़िया चल रहा है? अरे सब तो अच्छा हो रही है यार, गैस की टंकी पे 200 कम हो गए, 1,000 रुपये औरतों को मिल रहा है, महिलाओं को। और क्या मिल रहा है? और क्या सब्सिडी, और क्या चाहिए? मामा कह रहे लाडली बहनों का ख्याल। हाँ तो आपके इस महीने 1,250 हो जाएंगे। बिजली बिल माफ़ हुआ नहीं? बिजली बिल माफ़ कहाँ हुआ यार, वो तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, हमने तो विकास हुआ है मामा के राज में। हाँ विकास तो हुआ है ना यार, बुलडोजर चल रहा है। हाँ बिल्डोजर भी चल रहा है, ये भी हो रहा है। कहाँ चलता है बिल्डोजर? अब ये तो खैर अपन इतनी जानकारी नहीं रखते, सही बात की नहीं। इस बार मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? अब देखो जो ऊपर वाला चाहेगा वही बनेगा, और क्या है। अपन तो जो है मामा है, कमलनाथ मामा ही बनेगा अभी तो। मामा ही? हाँ। कितनी बार बनाएंगे मामा? अब जब तक चल रही है। हाँ 5-6 बार। कितनी बार? 5-6 बार बनाएंगे। बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। मामा कुछ कर रहे हैं युवाओं के लिए? कर तो रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं मामा ने। तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नए नए एंटरप्रेनर के लिए लाभ मिल रहा है, नई नई योजनाएं आई हैं युवाओं के लिए, नई योजनाएं आई हैं। कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है काम के बेस पे, उसको स्टाइफंड मिलता है जी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो युवाओं को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना, युवाओं को काम मिल रहा है। रोजगार की कमी नहीं है? रोजगार की कमी मेरे हिसाब से अब तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होती जा रही है? हाँ स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं ना, स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं, छोटे उद्योग धंधे बढ़ते हैं। हाँ आत्मनिर्भर बना रहे हैं मामा, बिल्कुल। तो ये तो मोदी की देन है, तो उसमें मामा का भी हाथ है ना, है तो सब बीजेपी के ही। हाँ ये तो है, है ना। तो क्या चाहिए? यहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, उधर लोकसभा का चुनाव है 24 में। हाँ बिल्कुल है। तो मामा एमपी में कौन चाहिए, मामा या कमलनाथ? देखिए जो काम अच्छा करे हमें तो वो चाहिए। और केंद्र में? केंद्र में बीजेपी चाहिए, मोदी चाहिए। बिल्कुल मोदी का विकल्प नहीं कोई? नहीं मोदी का कोई विकल्प नहीं अभी, नहीं अभी, नहीं अभी, आने वाले 10 साल तक तो नहीं, कम से कम। कम से कम महिला आरक्षण पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं यार बस अभी इतना ही। इतना कहेंगे जी। क्या नाम है? अनीस कुरैशी। ठीक है? हाँ ठीक है। कारोबार नहीं चल रहा मगर अभी, धंधा एक मंदा हो गया है। कब से मंदा चल रहा है? जब से यहाँ पे क्रेडे वगैरह रखी जाती है ना अंदर, और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो ग्राहक जो है रुक नहीं पाता जी, तो कुछ भी नहीं होता, मानते नहीं है ऑटो वाले और क्रेड वाले, इसलिए उधर से ग्राहक आ नहीं पाता, आगे चला जाता पूरा ग्राहक। तो दूसरी दुकान पे चला जाता? दूसरी दुकान पे चला जाता है। इसके बारे में कई मर्तबा शिकायत कर चुके अधिकारियों को, मगर कुछ होता नहीं है। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 50 से ऊपर है। 50? तो ये सब्जी मंडी में कितने समय से काम करते हैं आप? जब से ही कर रहा हूँ। पहले से कर रहे हैं? तो पुराना काम है आपका? पुराना काम है, उधर लगाते थे, मगर ये ऑटो वाले और क्रेड वाले परेशान करते हैं तो इधर बैठने लगे, नहीं तो पहले उधर लगाते थे, तो अब ऑटो वाले और क्रेड वाले बहुत परेशान करते हैं, समझे। आपके यहाँ पे कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी भाजपा आ जाती है, कभी मामा बन जाते हैं, कभी कमलनाथ बन जाते हैं, तो कुछ भी कर जाए अधिकारी आके कहते हैं कि हम हटा देंगे, मगर हटाते नहीं है। लेकिन दोनों सरकारों में आप बेहतर किसे मानते हैं, कमलनाथ या मामा? जब से मामा थे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब से कांग्रेस की सरकार थी तो अंदर दुकानें लगती थी, अब तो जो है चारों साइड दुकानें लग रही हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं होती। तो मामा कुछ योजनाओं का लाभ? मामा ने जब से कहा है ना कि सब्जी वालों को परेशान मत करो, तो और फैल गई दुकानें रोड पे। ये हुआ हाँ, मतलब छूट दे दिए तो उससे परेशानी, उससे परेशानी बढ़ गई है, चारों साइड फैल रही है, मगर ये इधर अंदर दुकानें नहीं लग रही। तो मामा कुछ काम कर रहे हैं? नहीं कर कुछ क्या कर रहा है मामा, करते तो अंदर दुकानें लगने लगे। मामा
कुछ भी नहीं कर रहा। लाडली महिलाओं के लिए योजना दे रहे हैं तो सब अगवा है क्या लगे हुए, दिन दिन भर लोग परेशान होते फिर रहे हैं इधर से उधर। इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, मामा या कमलनाथ? देखो आप क्या होता है आपके एमपी की जनता के लिए, मामा बेहतर है या कमलनाथ? तो कमलनाथ बनेगा, कमलनाथ बनेगा पक्का। तो इस बार भरोसा बन जाएगा पक्का। और महाराज भी जो है कांग्रेस में आ जाएंगे, महाराज भी जो है कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया आ जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। आप भाईजान इधर भी लगे हुए हैं, भिंडी इन पे भिंडी का रेट चल रहा है आपका तो ना। क्या नाम है? शानू कुरैशी। ठीक है आप? बिल्कुल टका टका। क्या रेट चल रहा है भिंडी? भिंडी अपने पास 40 रुपए किलो। 40 रुपए जी, भाव ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल ही। ग्राहक ठीक आ रहे नहीं आ रहा? बिल्कुल कच्ची है, हरी एकदम। अरे बिल्कुल शानदार ना, एकदम बिल्कुल टका। मामा के राज में क्या चल रहा है? मामा के राज में तो बिल्कुल मामा का राज ही चल रहा है यहाँ, और क्या हो रहा है तुम्हारे के तो बस मामा मामा चल रहा है, मामा चल रहा है बिल्कुल। क्या कर रहा है मामा युवाओं के लिए? मामा सब कुछ कर रहा है भाई, देखो टमाटर सस्ता होगा महंगा था ठीक है, सब्जी भी अब हो जाएगी 20 रुपए का 20 सब हो जाएगी। अब क्या सुविधा दिया मामा? मामा ने सुविधा दी यार भाई, और सारी सुविधा मिल रही है अभी, टाइम नहीं है दुकान में। कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? लोकी 20 रुपए कर जी। मामा कुछ कर रहे हैं? मामा कर रहा है ना, गुण कर रहा है ना भाई। इस बार मुख्यमंत्री कौन चाहिए, मामा या कमलनाथ? मामा ही चाहिए। मामा मामा चाहिए हाँ, 1 किलो। थैंक यू आइए।